हेलो फ्यूचर माइनर स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में कल तक हमने रेगुलेशन नंबर टेन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था जो हमारा था बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कराया था आप लोग उस वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में तीन रेगुलेशन एक साथ रेगुलेशन इलेवन टर्टेन उससे पहले यदि आप अभी तक रेगुलेशन टेन के एमसीक्यू को नहीं बनाए हैं वन टू का डेफिनेशन को नहीं समझेंगे कौन वर्ड का मतलब क्या है तो उसका लिंक मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जा सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से जाके आप

थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिए फॉर्मूला में ठीक है वो फॉर्मूला बिल्कुल सही था लेकिन कुछ एक पार्ट बढ़ते हैं, आज हमारा पहला रेगुलेशन नंबर रेगुलेशन इलेवन जैसा कि एस पर माई स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं पीछे का रेगुलेशन को रिकॉल करते हैं तो चलिए फिर से वही करते हैं रेगुलेशन वन है हमारा नोटिस ऑफ ओपनिंग फोर है एनुअल रिटर्न फाइव है नोटिस ऑफ अबॉइटमेंट क्लोजर है है और आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है certificate granted by board. जिस board का कल मैंने बात किया था वो बोर्ड हमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट प्रदान करता है कौन कौन सा सर्टिफिकेट उनके द्वारा हमें मिलता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप मुझे अब ये बताइए कि board of mining examination में टोटल कितने members होते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं रेगुलेशन इलेवन का बोर्ड द्वारा कितना टोटल सर्टिफिकेट दिया जाता है मतलब बोर्ड कैंडिडेट को टोटल कितना सर्टिफिकेट देता है ऑप्शन नंबर ए है फाइव ऑप्शन नंबर बी है सिक्स ऑप्शन नंबर सी है सेवन ऑप्शन नंबर डी है टेन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी टोटल सात सर्टिफिकेट देता है वो सात सर्टिफिकेट होता कौन कौन सा है ये हम आगे देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं बोर्ड द्वारा जारी कितने सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड तो आपको बखूबी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वैसा सर्टिफिकेट को बोलते हैं जिस सर्टिफिकेट को लेके आप सिर्फ ओपन कास्ट में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं आप सिर्फ ओपन कास्ट में काम कर सकते हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वैसा सर्टिफिकेट होता है जिसको लेके यदि आपके पास वो है तो आप ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में काम कर सकते हैं

छठा इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और सातवां गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ठीक है थेके? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ रेगुलेशन नंबर ट्वेल्व एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम दे रहा है और जो एग्जाम ले रहा है तो एग्जाम कौन दे रहा है आप दे रहे हैं हम दे रहे हैं एग्जाम ले कौन रहा है बोर्ड ले रहा है ठीक है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर वन है एग्जामिनेशन का टाइम और डेट कौन फिक्स करेगा मुझे लगता है इसका आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम ऑप्शन नंबर बी है बोर्ड ऑप्शन नंबर सी है आर तो इसका सही आंसर होगा

ठीक है क्वेश्चन आप स्क्रीन पर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके ऑप्शन नंबर ए है थर्टी डेज ऑप्शन नंबर बी है फोर्टी फाइव डेज ऑप्शन नंबर सी है सिक्सटी डेज ऑप्शन नंबर डी है वन ट्वेंटी डेज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साठ दिन पहले फॉर्म देना होगा ठीक है एप्लीकेशन देना होगा किसको बोर्ड को क्वेश्चन नंबर टू है एग्जाम की डेट और प्लेस की सूचना बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन मिलने के लास्ट दिन से कितने दिन पहले तक देना होगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए है थर्टी डेज ऑप्शन नंबर बी है फोर्टी फाइव डेज ऑप्शन नंबर सी है सिक्सटी डेज ऑप्शन नंबर डी है नाइन डेज तो रेगुलेशन नंबर

पूरे तरह से रद्द कर दिया गया था उसके बाद फिर यही चल रहा था साठ साठ दिन जो अभी मैंने बताया इसको आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अपने शाम के फिर एक्स्ट्रा वही टॉपिक के साथ ओपन कास्ट का एक टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद